गए गोधन न्याय योजना के बंटाधार होवत थे। राजनांदगांव के खैरागढ़ में घलो ये योजना ल संचालित करे बर गोबर खरीदी करे जात रही से, जेन हा वर्तमान में बंद है। जेकर समस्या ल लेके गौ पालक मन एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जे एसडीएम के अनुपस्थिति के बाद गौ पालक मन नाराजगी जतात हुए एसडीएम ल बुलाए के जिद करी, जे ल देख के नायब तहसीलदार लीलाधर कंवर पहुंचीस, जिन प्रदर्शनकारी मन ल शांत करवा के उनकर ज्ञापन ल लिहीस। हमारे यह मांग थी कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार वही बट उड़ रही है कि हम गोबर खरीद रहे हैं, पशु पालक काफी आगे बढ़ रहे हैं करके, लेकिन वास्तव में खैरागढ़ नगर पालिका सीमा क्षेत्र में पिछले 3 महीने से गोबर खरीदी नहीं की गई है। दूसरी मांग हमारी यह है कि आज तक 1 साल हो गया, करीब 22 पिछले शायद मेरे करीबन 22 जुलाई को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज तक खैरागढ़ में गौठान नहीं बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि चारागाह की जो जमीन है सारा अतिक्रमण हो चुका है, तो गौ पालक जो है वो पशु चालक जो पशु जो चराने वाले जो लोग हैं वो पशु को चराए तो चरा कर, आज ये स्थिति आ गई है कि पशु पालकों के पास अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इसके लिए पूरी तरह से सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। मैं भूपेश सरकार से मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द गोबर खरीदी की जो योजना है उसको फिर से पुनः चालू करे, वास्तविक मूर्त रूप में सामने आए। दूसरी बात, गौठान जो है वास्तव में गौठान बनना चाहिए, केवल कागजों में गौठान नहीं बनना चाहिए। तीसरी बात, जो अतिक्रमण जो हो रहा है हमारे जो चारागाह की जो जमीन होती है, मैं आपको बता दूं कि चारागाह के लिए स्पेशल विशेष जमीन होती है राजस्व रिकॉर्ड में, लेकिन चारागाह की जमीन को पूरा अतिक्रमण कर दिया गया है, सामाजिक लोगों को उसको दान कर दिया गया है, कुछ रसूखदार उस पर कब्जा कर दिए गए हैं। तो मेरी मांग यह है कि चारागाह की जमीन को भी मुक्त कराया जाए और चारागाह की जमीन को चिन्हांकित किया जाए, स्पष्ट किया जाए। देखिए, हमारी जो इच्छा थी एसडीएम साहब से मुलाकात करने की थी, लेकिन एसडीएम साहब जैसा कि इन्होंने बता रहे हैं कि वो अभी फील्ड में गए हैं, तो हमने तहसीलदार कमर साहब को भी ज्ञापन दिया है और हमने वही 3 मांगे की है कि गोबर खरीदी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, गोबर खरीदी की जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करें कि आप गोबर कब खरीदेंगे, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि गोबर अपन लॉकडाउन के कारण नहीं खरीदे, उसके बाद बोला गया कि बारिश के कारण हम गोबर नहीं खरीदे, तो हमारे कहने का मतलब यह है शासन प्रशासन यह स्पष्ट करे कि गोबर खरीदी वो कब और किन परिस्थितियों में करना चाहती है।